नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ की जो भर्ती आई है उसके एग्जाम स्कीम के बारे में, साथ ही हम बात करने वाले हैं फिजिकल के बारे में। जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और एग्जाम स्कीम के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम स्कीम को। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम स्कीम की बात करें तो इसमें पहले पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा पेपर सेकेंड और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के। वही 50 नंबर का आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा और इंग्लिश के होंगे 50 क्वेश्चन। 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का होगा। पेपर सेकेंड जो है वो आपका 1 मार्च 2021 को रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन का। 200 नंबर का रहेगा ये, 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 0.25 की मार्किंग आपके लिए रहने वाली है और इसमें जो मार्क्स हैं उनका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है कि 1 जनवरी 2021 तक जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उनको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नंबर्स के अलावा बोनस मार्क्स भी मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला है तो उसको पहले पेपर में 10 नंबर मिलेंगे और दूसरे पेपर में भी 10 नंबर उसके जुड़ेंगे। पेपर फर्स्ट में 200 नंबर का है उसमें 10 नंबर उसको अलग से मिलेंगे, वही पेपर सेकंड जो है 200 नंबर का है वहां भी उसको 10 नंबर अलग से मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 6 नंबर अलग से मिलते हैं और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 4 नंबर अलग से मिलेंगे। यानी टोटल 2% मैक्सिमम मार्क्स आपको ए वालों को, 3% बी वालों को और 5% नंबर सी वालों को हर एक पेपर में दिए जाएंगे अलग से। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस की। तो देखो, पेपर फर्स्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल आएंगे, जिसमें सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालॉगीज, इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसके अलावा अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोजिस्टिक रीजन, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपसे जो ट्रेंड्स हैं, स्पेस ओरिएंटेशन है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, वेन डायग्राम है, ड्रॉइंग इन्फ्लुएंसेज है, पंच्ड होल है, पैटर्न फोल्डिंग है, अनफोल्डिंग है, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग है, कंप्लीशन है, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग है, डेट एंड सिटी मैचिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस के सवाल भी आपके आने वाले हैं। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और करंट जीके के सवाल आने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अगर हम देखें तो इसमें आपके रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा, एलिमेंट्री सेट्स, ग्राफ्स ऑफ लाइनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस, इसके अलावा सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू और मोर सर्किल्स, ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल्स, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, इसके अलावा राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट के सवाल आएंगे। इंग्लिश कंप्रिहेंशन जो है वो इस तरीके से आएगा कि आप इंग्लिश की कितनी अच्छी नॉलेज रखती हैं और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन के सवाल आएंगे, जिसमें एरर रिकॉग्निशन, इसके अलावा फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजन एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, कम्प्रिहेंशन के सवाल आएंगे। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी की, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट है बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटीमीटर। वहीं हिली एरिया वाले कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम वालों के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगी 77 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, हिली एरिया के फीमेल के लिए 155 और एसटी की फीमेल के लिए है 154। अगर हम बात करें पीटी की, तो आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 16 सेकंड में, 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी होगी 3.65 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे,
हाई जंप करनी होगी 1.2 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे, और शॉर्ट पुट होगा 16 पाउंड का 4.5 मीटर का, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 18 सेकंड में, वहीं 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी 2.7 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप होगी 0.9 मीटर की, 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। और हम बात करें आपकी आई साइट की, तो आई साइट आपकी जो है वो 6x6 होनी चाहिए, बेटर आई और 6x9 बर्थ साइज अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। चश्मा पहनना या फिर कोई भी सर्जरी कराना वो अलाउ नहीं है। तो साथ ही ये थी जानकारी एसएससी सीपीओ यानी एसआई भर्ती 2020 के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिलते हैं सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।